इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। 100.1 FM गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, पूजा और विजय के साथ। और आज किसान की बात में हमारा फोन इन कार्यक्रम रहता है। आज है शुक्रवार, सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार के दिन आप सीधे स्टूडियो में फोन करके हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ मेहमान से अपने सवाल कर सकते हैं। तो आज स्टूडियो में आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान डॉक्टर शंकर लाल जाट, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे कार्यक्रम। पूजा जी, धन्यवाद, सभी का स्वागत है। और डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं, आज का विषय है रबी मक्का की देखभाल। तो हम अपने सुनने वाले दोस्तों को भी बता दें, आज का विषय है रबी मक्का की देखभाल। और इस विषय पर डॉक्टर साहब से सवाल पूछने के लिए आप हमें सीधे स्टूडियो में फोन कर सकते हैं। 011 दिल्ली का कोड है, एसटीडी कोड, और 2342-1093 और 2342-1081, ये दो नंबर हैं जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से सीधा सवाल पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर बता दूं, 2342-1093 और 2342-1081 दिल्ली का कोड है, 011 जो कि नंबर से पहले आपको लगाना है। और साथ ही जब आप ये नंबर मिलाएंगे तो हम तक आपकी बात पहुंचाने के लिए आपसे जो शुरुआती बातचीत होगी वो होगी एकांश से। तो एकांश हमारे साथ स्टूडियो में हमारी मदद करेंगे, उनकी ओर से भी हम आपका स्वागत करते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन विजय, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं इससे पहले हमारे पास एक बहुत ज़रूरी जानकारी है जो हम अपने श्रोताओं के साथ बांटना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं। हम जानते ही हैं कि हाल ही में किसानों के हितों को ध्यान में रखकर तीन नए कृषि कानून बनाए गए हैं, पास किए गए हैं। तो उससे जुड़ी जानकारी पहले हम अपने श्रोताओं के साथ बांटते हैं, फिर हम अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। किसानों को अपनी उपज पूरे देश में कहीं भी बेचने की आजादी देते हुए और उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने दो नए कानून लागू किए हैं। पहला, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020, और दूसरा, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020। एक देश एक मंडी के जिस मिशन को लेकर के बीते 7 साल से काम चल रहा था वो अब पूरा हो रहा है। पहले अधिनियम यानी कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 के तहत अनाज, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, नट, मसाले आदि के उपज का व्यापार करना आसान हो गया है। इसके साथ साथ डेयरी उत्पादों, बकरी पालन और पिगरी से संबंधित उत्पादों के व्यापार में भी आसानी हो गई है। साथ ही जानवरों के चारे, कच्चा कपास, कपास के बीज और कच्चे जूट आदि के व्यापार में भी बाधाओं को हटा लिया गया है। किसान एपीएमसी मंडी परिसर के बाहर भी, यानी व्यापार उत्पादन स्थल, संग्रह, फार्म गेट, कारखाना परिसर, वेयर हाउस, साइलो, कोल्ड स्टोरेज आदि जगहों पर व्यापार कर सकते हैं। व्यापार क्षेत्र में जिस भी व्यापारी जिसके पास पैन कार्ड हो, वो किसान या किसी दूसरे व्यापारी के साथ व्यापार कर सकता है। उत्पादक संगठन FPO या कृषि सहकारी समितियों के पास व्यापार क्षेत्र में व्यापार के लिए पैन कार्ड की भी जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार और भुगतान के लिए विशेष प्रावधान है। यहाँ हर एक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। एपीएमसी मंडी के बाहर किसी भी ट्रेड एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी शामिल है, किसानों को कोई भी शुल्क या सेस नहीं लगेगा। किसान अब अपने मोबाइल पर भी व्यापार को अंजाम दे सकते हैं। इस अधिनियम का न्यूनतम समर्थन मूल्य से कोई लेना देना नहीं है। किसानों को MSP मिलता रहा है और इसके माध्यम से खरीद जारी रहेगी। मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। अगर कोई व्यापारी
इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान है। वाद विवाद और मतभेदों के निपटारे के लिए सुलह बोर्ड का प्रावधान है, जिसमें किसान स्थानीय SDM के पास अपनी शिकायत कर सकते हैं। अब किसान अपनी फसल कहीं भी किसी को भी बेच सकते हैं। अब किसान किसी पर निर्भर रहने के बदले बड़ी खाद्य उत्पादन कंपनियों के साथ पार्टनर की तरह जुड़कर ज्यादा मुनाफा पाएगा। किसानों को उनकी फसल का अधिकतम मूल्य दिलाने तथा ग्रामीण क्षेत्र में कृषि निवेश के लिए सरकार ने दूसरा कानून कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के तहत किसान किसी व्यापारी FPO खरीद संस्थाओं कृषि कारोबार फर्मों प्रोसेसरों थोक विक्रेताओं निर्यातकों खाद्य प्रसंस्करण एजेंसी खाद्य उद्योग के साथ फसल कटाई से पहले ही आपस में समझौता कर सकते हैं। इस दौरान होने वाले सारे खर्च खरीदार खुद उठाएंगे। किसानों को अब फसल की बिक्री की चिंता नहीं करनी होगी। किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। साथ ही किसान को किसी भी करार में बांधा नहीं जा सकेगा। किसान किसी भी मोड़ पर बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होगा। इस अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि किसानों की जमीन की बिक्री लीज और गिरवी नहीं रखी जा सकती। करार फसलों का होगा न कि जमीन का। कई राज्यों में इस तरह के करार किसान पहले से व्यापारियों और कॉरपोरेट के साथ करके आलू केला आम कपास चाय कॉफी आदि का भरपूर उत्पादन कर रहे हैं। इसलिए अब छोटे किसानों को भी बड़ा फायदा होगा। उन्हें बेहतर मुनाफे के साथ साथ आधुनिक टेक्नोलॉजी और उपकरण का भी लाभ मिल सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि निवेश बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्रामीण रोजगारों का भी सृजन होगा। इन दोनों अधिनियमों से अन्नदाताओं को आजादी और खुशहाली दोनों मिल रही हैं। सशक्त अन्नदाता आत्मनिर्भर भारत। तो ये तो हमने जो सुनी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में लाए गए नए कानूनों के बारे में उपयोगी जानकारी। आइए सुनते हैं हमारे एक किसान मित्र का इस संबंध में इनके कानूनों के बारे में उनकी क्या राय है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और हमारे साथ है एक किसान भाई। नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है, मैं रहने वाला कानपुर का हूँ, मेरा ग्राम मेगन है। जी संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, सरकार जो है आपके लिए किसान भाइयों के लिए कुछ कानून लेकर आई है, ये कानून आपको कैसे लाभ पहुंचाएंगे, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अब तो सरकार अच्छी अच्छी सुविधाएं ला रही है, अच्छे अच्छे मतलब किसान भाई के लिए अच्छा अच्छा सुविधा प्रकट कर रही है, जिससे हमारा अनाज है जो एक स्थान से दूसरे स्थान से अच्छे मूल्य में बेच सकते हैं, जहाँ पे अच्छा मूल्य मिलेगा वहाँ बेच सकते हैं। आपके यहाँ कौन कौन सी फसल होती है? हमारे यहाँ गेहूँ धान मक्का की फसल होती है। तो अभी तक जो है आप पास की मंडियों में बेचते होंगे, अब ये फसल जो है आप दूर की मंडियों में भी बेच सकते हैं इस कानून के द्वारा? जी मैडम, हम दूसरी मंडी में बेच सकते हैं, अच्छा मूल मिलेगा और अपना स्वयं ही मंडी में बेच सकेंगे, अच्छा मूल तो मिल सकेगा, उससे कम से कम सेफ रहेंगे, हमारा जो पैसा होगा हम ही को मिल जाएगा। और सरकार ने तो अच्छी अच्छी सुविधाएं भी निकाल दी है, जिससे हमारी अच्छी फसल होगी तो अच्छा मूल मिलेगा और किसान अब व्यापारी तो स्वयं अपना बन सकता है, अपना व्यापार स्वयं कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान से अपने मंडी में स्वयं अनाज बेच सकता है। सरकार किसान की स्थिति को मजबूत कर रही है, जिससे भविष्य किसान में अच्छा जीवन व्यापन कर सकता है। अच्छी अच्छी सुविधा ला रही है, जैसे सिंचाई योजना की सुविधा ला रही है, फसल बीमा योजना ला रही है, बीज भी मिल रहे हैं और सम्मान निधि भी मिल रही है किसान भाइयों को, आपके क्षेत्र के किसानों को मिल रही है? हाँ, हमारे यहाँ सम्मान निधि भी मिल रही है किसान भाइयों को और मिट्टी की जांच भी अच्छे से हो जाती है हमारे यहाँ। ऑनलाइन सुविधा सरकार ने दे रखी है, तो हम लोग ऑनलाइन ही सरकार से सुविधा ले सकते हैं और मौसम की ऑनलाइन जानकारी ले सकते हैं और खाद की सुविधा यंत्रों की सुविधा ये सब तो आप लोगों को मिली मिली रही है।
तो सरकार की इन सुविधाओं से, इन सहूलियत से आपकी जो जीवन शैली है उस पर भी फर्क पड़ा हुआ लगता है आपको? थोड़ा सा जीवन अब आसान हो गया है? हाँ, अब जीवन में तो आसान है ही भाई, हर चीज की सुविधा सरकार ने दे दी है, मूल भी अच्छा मिल रहा है। बस यही चाहते हैं कि मतलब अच्छा से अच्छा और मूल हो सके, जिससे हम लोग अच्छे से जीवन व्यापन कर सकें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप किसान भाई इसी तरीके से संतुष्ट रहें और आपकी आय जो है वो दोगुनी होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम किसान की बात में 100.1 एफएम गोल पर। समय हुआ है 3:20 और 56 सेकंड। पूजा और विजय के साथ हैं और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं आज डॉक्टर शंकर लाल जाट, जो रबी मक्का की देखभाल पर आपके सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं। तो विजय, जब तक सवाल हम तक पहुँचे, एक संदेश मेरे पास आया है, पहले हम बोले लेते हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि पहला सवाल पूछने के लिए तुम जिस तरह से कुलबुला रहे हो, लेकिन पहले हम वो संदेश शामिल करते हैं। हमारे एक नियमित श्रोता है राम खिलावन जी, जो मेरठ से ये सवाल हमसे करते हैं। डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं कि मक्का की बुआई का सही तरीका क्या होता है और बुआई करते समय पंक्तियों में कितनी दूरी रखनी चाहिए? जी, बहुत ही अहम सवाल है राम खिलावन जी का, क्योंकि मक्का एक ऐसी फसल है जिसके अंतर्गत पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधों की संख्या बहुत महत्व रखती है। अगर दूसरी खाद्यान्न फसलें देखें, उनमें फुटान होती है, नीचे से कल्ले फूटते हैं। दलहनी फसलें देखें तो ऊपर से आपकी ब्रांचेज जो फूट जाती है, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। तो हमें पौधों की संख्या निश्चित रखनी चाहिए और इसके लिए आपको लगभग 7 से 8 पौधे और 7 से 9 पौधे, मैं कहूँगा इस मौसम में, 1 स्क्वायर मीटर में रखने हैं। जी, तो आप जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर रखें और हर बीज को लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर गहरा बोएं। उतना ही गहरा बोएं जितना हर एक बीज को, समान गहराई पर अगर बोएं तो पूरी मक्का एक साथ निकलेगी। तो आपकी जो मक्का की उपज लेने की क्षमता है वहीं पर डिसाइड हो जाती है कि आपकी एक साथ मक्का निकल रही नहीं निकल रही। तो बिल्कुल अहम सवाल था इनका कि आप गहराई इनकी एक सेम रखें, 4 से 5 सेंटीमीटर, और 50 से 60 सेंटीमीटर की पंक्तियां बनाएं और उनके बीच में इसको बोएं। चलिए, राम खिलावन जी ने ये एक अहम सवाल पूछा, लेकिन क्योंकि आज का विषय ऐसा है जो उससे आगे का है, यानी कि बुआई हो चुकी है अक्टूबर नवंबर में, और रबी मक्का की देखभाल कैसे की जाए, ये हमारा आज का विषय है। और मक्का एक ऐसी फसल है हमारे देश में जो तीनों सीजन में बोई जाती है, खरीफ में भी, रबी में भी, जायद में भी। लेकिन रबी की फसलों में जो मक्का की रोपाई अक्टूबर नवंबर जो हो चुकी है, जिसकी हम बात कर रहे हैं जी, जी। अब इसकी देखभाल के बारे में, तो मेरे मन में जो पहला सवाल आता है कि रोपाई के बाद इसकी सिंचाई कब कब और कैसे कैसे होनी चाहिए? देखिए, रोपाई के बाद जो, क्योंकि इस समय थोड़ा पानी कम उठता है, तो रोपाई के बाद आपको जो सिंचाई की व्यवस्था है, आपको पहली पहली सिंचाई बहुत 20 से 25 दिन या उसके बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे खरपतवार भी कम जमेंगे और आपको फसल भी अच्छी होगी। तो पहली सिंचाई आपको 20 से 25 दिन बाद करनी है। तो डॉक्टर साहब को मैं एक बार यहाँ रोकूंगा, इस सवाल का जवाब आप जारी रखिएगा, लेकिन एक श्रोता हमारे साथ हैं। जी, हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर जी, अपना नाम बताएं और जगह का नाम बताएं। मेरा नाम पंकज कुमार सिसोदिया हुआ, नवादा जिला। पंकज कुमार सिसोदिया कहाँ से? नवादा जिला, बिहार से। नवादा, बिहार से। जी, आप डॉक्टर साहब से पूछिए सवाल। सर, 1 बीघा से ऊपर लमसम मक्का लगाए हैं जी, तो 30 नवंबर को हम लगाए हैं, अभी 3 पत्ता है, तो उसको सिंचाई कब करना है सर? हमको ये सब जानकारी नहीं, हम तो लगा दिए आवेश में। जी 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 जी, देखिए पंकज जी, हम इसी संबंध में ही चर्चा कर रहे थे और बिल्कुल, बिहार जो अपने देश में रबी मक्का के लिए जाना जाता है और सबसे ज्यादा रबी मक्का अपने देश में सबसे ज्यादा यहीं पे होती है, बिहार, बिहार में होती है। और ये भी एक जानकारी है, मैं श्रोता तक पहुंचाना चाहता हूँ। और यहाँ पे जो आपने मक्का 30 नवंबर पे लगाई है, तो उसमें मैं चाहूंगा कि आप इसमें थोड़ा पानी रुक के लगाएं, क्योंकि मैंने जो बताया कि खरपतवार आपके ज्यादा उगेंगे, मक्का को कोई फायदा नहीं होने वाला पानी से, क्योंकि अगर आपने जुताई करके मक्का लगा रखी है तो आपका जमीन के अंदर पानी रुकेगा काफी दिनों तक। और अगर टेम्परेचर आपका 5 डिग्री या उससे नीचे हो रहा है तो जब तब जरूर लगा दे, क्योंकि इसमें कुछ कुछ पाला पड़ने की संभावना हो सकती है जी। तो इसके लिए आपको लगाना पड़ता है, अदरवाइज आपकी फसल को ऐसा पानी की जरूरत नहीं है। और आप अगर थोड़े कम समय के बाद लगाएंगे तो आपके यहाँ खरपतवार कम आएंगे, चारा कम आएगा, जिसकी बात हम करते हैं,
तो आप थोड़े दिन रुक के लगाइए, 20-25 दिन बाद ही आप पानी लगाने की इस पर कोशिश करें। जी, मुझे उम्मीद है कि इनको इनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, चूंकि आपने पाले का जिक्र कर दिया, तो मौसम में जिस तरह से बदलाव आया है और अभी हम जानते ही हैं कि काफी सर्दी है, तो पाले का जाहिर है कि फसलों पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव मक्के की फसल पर इसका रहता है, ये आप श्रोताओं के साथ जरा। और इसी में जुड़ा हुआ ये भी कि पाले से बचाव कैसे किया जाए। जी बिल्कुल, जो वो प्रभाव भी और बचाव भी। जी बिल्कुल, जैसा कि ये है कि पाले जो है ना, जहाँ पे कम सर्दी पड़ती है वहीं पे ही रबी की मक्का करते हैं हम। पंजाब हरियाणा में इसको अवॉइड करते हैं कि यहाँ पे नहीं करें, यहाँ पे थोड़ी सर्दी कड़ाके की पड़ती है, जहाँ पे टेम्परेचर आपका कम जाता है और आपको एक दो बार पाला भी पड़ता है। तो अगर ये पाले के प्रति सही सुनू है मक्का, मतलब इसमें पाला पड़ने की संभावना रहती है, तो आप ऐसे क्षेत्रों में नहीं लगाए जहाँ आपका साल में 2-3 बार आपका पाला पड़ने की संभावना रहती है। अगर फिर भी कभी कभी ऐसी घटनाएं होती है जिसके कारण बाकी जगह भी तापमान काफी नीचे चला जाता है और आपको पाला पड़ने की संभावना होती है, तो इसके लिए आप या तो रात के समय 8-9 बजे धुआं करें खेत में, आपको जब ऐसी आजकल मौसम की बहुत सटीक जानकारियां सरकार द्वारा पहुंचाई जा रही है किसानों के पास, तो वहां पे आप 8-9 बजे के आसपास धुआं कर दें तो आपकी फसल पाले से बच जाएगी। और या फिर आप सिंचाई करें, सिंचाई करने से क्या होता है कि वहां का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा। तो जो आसपास का तापमान, जो माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं, जो आपकी फसल के आसपास का तापमान का बढ़ जाता है, तो आप जैसे आज पाला पड़ने वाला है, संभावनाएं ऐसी बताई जा रही है, जैसे आप आजकल हम लोग मोबाइल के थ्रू भी देख लेते हैं कि आगे कितना तापमान रहने वाला है। जी। तो 4 डिग्री से नीचे अगर तापमान रह रहा है तो वहाँ पाला पड़ने की संभावना रहती है, इस समय आप हल्की सिंचाई कर दें फसल में, जो आपकी जैसे मक्का जिसको मैं सही सुनू बता रहा हूँ, जो इसके ऊपर पाला पड़ने की संभावना है, तो ऐसा पाला नहीं लगेगा। तो एक तो आपको धुआं करना है, दूसरा ये चीज सिंचाई करनी। जी जी जी, सीमित मात्रा में सिंचाई करनी है। इसके अलावा जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का भी छिड़काव करते हैं, लेकिन मक्का के अंदर अमूमन ये चीज संस्तुत इतने नहीं करते हैं कि क्योंकि है ही नहीं, मतलब उस एरिया के अंदर मक्का नहीं होती जहाँ पे पाला पड़ता है। जी है ना। जी विजय, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने जैसे अभी जिक्र किया कि मौसम संबंधी जानकारी आजकल हम तक जी काफी पाले की भी बात हुई है जी काफी तरीकों से पहुंचती है, तो मौसम से जुड़ी जो जानकारी हमारे पास है हम भी अपने श्रोताओं के साथ बांट लें, क्या कहते हो? जी, मौसम की दस्तक किसान के घर तक। मौसम की बात करें तो दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस, हवा की गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा और हवा की दिशा उत्तर से उत्तर पश्चिम रहने की संभावना जताई गई है। इस मौसम में तैयार खेतों में प्याज की रोपाई से पहले अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद और पोटाश उर्वरक का प्रयोग आप अवश्य करें, ऐसी सलाह आपको दी जाती है। और वक्त बहुत तेजी से आगे सरक रहा है, तो जाहिर है कि जब हम फसलों की बात कर रहे हैं तो फिर बाजार भाव का जिक्र होना भी बहुत जरूरी है। जी हाँ, चलो पगडंडी से मंडी। बाजार भाव में फलों की बात करें तो चीकू 40 रुपए, किन्नू 13 रुपए और सिंघाड़ा 17 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। और सब्जियों की बात करें तो बीन्स 16 रुपए, गाजर 17 रुपए, मेथी 10 रुपए और बैंगन 13 रुपए प्रति किलो के भाव से बाजार में उपलब्ध हैं। जी, और एक और सवाल भी हम तक पहुंच गया है विजय, आज संदेश के माध्यम से सवाल आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, गुड़गांव से ये संदेश आया है रमेश चंद्र जी का, ये जानना चाहते हैं कि मक्का की खेती के लिए सिंचाई की विधि बता दें और इसमें खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें, ये जानना चाहते हैं। अच्छा, देखिए मक्का में जो बिल्कुल मैं जैसा मैंने बात बताई कि इसको बिल्कुल पंक्तियों में लगाना चाहिए, पंक्तियों में लगाने से ही मक्का की अच्छी उपज ली जा सकती है। तो पंक्ति आपकी दो तरीके से हो सकती है, एक तो आप समतल जमीन के ऊपर लगा सकते हैं इस मौसम में, और जहाँ पानी भरने की ऐसी समस्या हो वहाँ पे आप मेड़ के ऊपर लगाते हैं। तो मेड़ पे अगर आप लगाएंगे तो आप सिंचाई बिल्कुल जो नाली बनती है उसके अंदर सिंचाई करें, आपको 2/3 उसकी ऊंचाई तक आप सिंचाई करें, कम पानी लगाएं उसमें। और जो पहला पानी लगाते हैं उस समय जरूर हल्की सिंचाई करनी चाहिए, आपका पानी का बहाव कम होना चाहिए, ताकि ये होता है कि जो आपके छोटे छोटे सीडलिंग होते हैं वो आपके बहे नहीं। तो ये आपको जानकारी रखनी। और एक बात और कह दूं कि मक्का को हम ड्रिप सिंचाई के माध्यम से भी कर सकते हैं,
जी तो मक्का की ड्रिप की जो आती है हमारे पास सब सरफेस ड्रिप भी है, जो जमीन के नीचे भी ड्रिप लगाते हैं 10-15 सेंटीमीटर नीचे तक लगाते हैं और वहाँ ऊपर हम मक्का लगा देते हैं। तो उसके बाद जुताई वुताई नहीं करते हैं, अगर जुताई करेंगे तो वो ड्रिप ऊपर निकल जाएगी, तो बिना जुताई के फिर उसके ऊपर सालों साल तक हम खेती कर सकते हैं। तो मक्का के बाद गेहूँ, और वो भी बिना जो ड्रिप सिस्टम है उससे कर सकते हैं। जैसा कि ये पूछ रहे थे कि खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करें, हमने भी ऐसा पहले अपने चर्चा की थी कि हम इस सवाल को शामिल करेंगे। बिल्कुल एक प्रमुख समस्या है जिसके अंदर अभी मक्का की पैदावार बहुत कम होती है, कम होने की वजह से क्या है खरपतवारों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। और पहले अगर देखें 2-4 साल पहले हमारे पास ऐसे खरपतवार नाशी नहीं थे जिनको यूज़ करके किसान उनको खरपतवारों को निकाल सकें, तो आजकल हमारे पास 2 खरपतवार नाशी ऐसे आ गए हैं। एक है टेम्बोट्रिन जिसका 115 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डालते हैं, और एक है टोप्रामेजोन जिसको 25 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से डालते हैं। तो इसको आप खड़ी फसल में आप डाल सकते हैं और आपके पास जितने भी खरपतवार हैं अमूमन सारे खरपतवार इनसे ख़त्म हो जाते हैं और मक्का के ऊपर भी कोई ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, AIRFM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं किसान की बात, जो कि लाइव फोन इन कार्यक्रम है, और आज हमारा जो विषय है रबी मक्का की देखभाल, जिस पर किसान दोस्तों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने के लिए डॉक्टर शंकरलाल जाट प्रधान वैज्ञानिक पूसा हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। तो दोस्तों, यदि आप इस प्रोग्राम में थोड़ा देर से शामिल हुए हैं और फ़ोन नंबर सुन नहीं पाए थे तो एक बार हम फ़ोन नंबर फिर से बताते हैं, 2342-1093 यानी 2342-1093। इसके अलावा एक और नंबर है 2342-1081, क्योंकि ये स्टूडियो दिल्ली में है और दिल्ली का नंबर 011 जो STD कोड है वो फ़ोन नंबर से पहले लगाना ना भूलें। तो हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल जो हमारे मन में और उभर रहे हैं उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे, लेकिन साथ ही हम एक बार आपको ये भी बता दें कि आप चाहें तो हमसे ये सवाल SMS करके भी पूछ सकते हैं। 53010 वो नंबर है जिस पर आप अपना SMS कर सकते हैं। लिखिए गोल्ड, गोल्ड लिखकर दीजिए स्पेस, स्पेस लिखने के बाद लिखिए अपना नाम और जगह का नाम जहां से आप हमें संदेशा भेज रहे हैं, और पूछ लीजिए अपना सवाल लिखकर भी। तो डॉक्टर साहब, मक्का के बारे में जैसे हमने पाले की बात की, ऐसे कौन से रोग हैं जो इस फसल को लग सकते हैं, कौन से कीट हैं जो इस फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, तो कीड़ों के बारे में और उनके रोग इस प्रबंधन को कैसे किया जाए, ये एक सवाल। ये ऐसा है कि अभी इस मौसम के अंदर जितने भी रोग हैं, क्योंकि इस मौसम के अंदर आपके मतलब अमूमन किसान जो भी है उत्तम क्वालिटी का बीज यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? जो साधारण मक्का अगर हम देखें तो अपने देश के अंदर जो खरीफ मौसम में ज़्यादा मक्का होती है 70-80%, उसमें आप 2.5 टन उसकी उत्पादकता एक हेक्टर की, और अभी है 5 टन से ज़्यादा, तो डबल उत्पादकता है। इसकी वजह से हर एक किसान बाहर से बीज ला के खरीदता है, और जो उत्तम क्वालिटी का बीज होता है उसके अंदर अमूमन कोई बीमारी नहीं होती है, सिवाय एक दो बीमारी के। अगर फसल आप ज़्यादा पास पास में लगाते हैं किसान, तो आपको जब फसल पकती उस समय आपको तना सड़न की बीमारी होती है जी। वो आ सकती है, और इसके लिए यह है कि आप उचित जल निकास की सुविधा रखें और फसल को कम थोड़ा दूरी दूरी पर लगाएं। जैसे मैंने कहा था 7-9 पौधे ही रखें, इससे ज़्यादा पौधे नहीं रखें। अगर बीमारी आ रही है तो वहाँ पे आप 7 पौधे ले आएँ, ठीक है। तो ऐसा करके अभी आप उसको बीमारी को बचा सकते हैं। और दूसरा यह है कि आप कीड़े के बारे में पूछ रहे थे, जो कीड़ा एक अभी अपने देश में आया है उसका नाम है फॉल आर्मीवर्म, जो मक्का के अंदर हाल ही 1-2 सालों में किसानों को दिखने लगा है, और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये कोरोना के साथ भी आ गया और ऐसे से अच्छा। किसी ने भेज दिया ऐसे करके, तो ऐसा नहीं है। ये कीड़ा कहीं से उड़ के आता है, 500 किलोमीटर इसमें उड़ने की क्षमता होती है। अच्छा। तो एक बार अगर आपने यहाँ से ख़त्म भी हो जाए तो अगली बार कहीं दूसरी जगह से उड़ के आ जाएगा, और ये आपकी फसल को नुकसान पहुँचाता है। और जब तक इसके प्राकृतिक शत्रु नहीं बनते तो हमें इसका किले का कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली जब शुरू में 1-2 साल में, उसके बाद इसके प्राकृतिक शत्रु बन जाते हैं, वो धीरे धीरे इसको कंट्रोल करते रहते हैं। और अमूमन ये देखा गया है कि किसान भाई इसको नोटिस नहीं कर पाते हैं, ये कीड़ा आ गया है मेरी फसल में, तो किसानों को बिल्कुल खेत के पास जाके देखना है। अगर आपकी पत्तियों के ऊपर
खुरदरा मतलब सफ़ेद सफ़ेद करके खुरदरे दाग हैं या कुछ ऐसे धब्बे हैं, तो आपको देखना है कि मतलब अगर कीड़ा आपकी जो पौधे की गोब होती है उसको थोड़ा चीर के देखेंगे, बहुत छोटे छोटे कीड़े होंगे, हो सके कभी कभी आंखों से भी नहीं देख सकते हैं, लेकिन 14-15 दिन के अंदर ये कीड़ा बहुत बड़ा हो जाता है और आपके पौधे को बिल्कुल छिन भिन कर देता है, तो उसे फॉल आर्मवर्म कहते हैं। यही एक कीड़ा है जिसकी आपको नियंत्रण की ज़रूरत है, और शुरू में आपकी फसल के अंदर जैसे आप इमामेक्टिन बेंजोइट है उसका आप 0.4 ग्राम पर लीटर, या आपको क्लोरेन ट्राइनिपोल है उसका भी 0.4 ग्राम पर लीटर। इन दवाओं के नाम एक बार फिर से बता दीजिए। इमामेक्टिन बेंजोइट जो 0.4 ग्राम पर लीटर, या क्लोरेन ट्राइनिपोल वो भी 0.4 ग्राम पर लीटर, इन दोनों का, इन दोनों में से एक दवाई लेनी है। एक बार अगर आपने छिड़काव की तो आपको 15 दिन के आसपास आपका इसका पूरा कंट्रोल रहेगा, और आपकी फसल अगर एक बार बाहर निकल गई इससे तो अमूमन ये देखा गया कि कभी कभी दूसरे स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ती। अगर जरूरत पड़े तो अगर पहले इमामेक्टिन किया है, बेंजोइट किया है, तो उसके बाद आप क्लोरेन ट्राइनिपोल करें, या पहले क्लोरेन ट्राइनिपोल किया तो आप इमामेक्टिन बेंजोइट का छिड़काव करें। इसके साथ ही कुछ दो दवाएं और हैं, उनका भी आप चुनाव कर सकते हैं। स्पिनाटोरम है, उसको 0.5 ml प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करते हैं, और क्लोरेन ट्राइनिपोल प्लस लैम्डा साइलोथ्रेन है, उसका भी 0.5 ml प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करते हैं। तो छिड़काव करते समय ये ध्यान रखना है, अमूमन जैसे छिड़काव करते हैं वैसे नहीं करना है, हमें पौधे का जो गोब है, जो सेंट्रल पॉइंट है जहाँ के अंदर छुपा रहता है ये कीड़ा, वहीं पे अपन को छिड़काव करना है जी। और अगली बार जब भी देखना है कि ये कीड़ा आया कि नहीं आया, तो उसमें हमें नई पत्तियों को देखना है, जो भी नई पत्ती आ रही है वो बिल्कुल सही आ रही है कि नहीं। अगर वो आपकी सही नहीं आ रही है तब आपको दूसरे छिड़काव के ऊपर जाना है, आपको कीड़ा देखना है। अगर अगर आप एक दो पौधों में ये आता है बिल्कुल पैच में, चार पाँच पौधे आसपास के पौधे उन पे आता है, तो आपको उस समय भी ये जानकारी रखनी है। तो ये तो हो गया जो हम दवाइयों से करते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी अलग नियंत्रण है जिसके अंदर यह है कि आपके खेत के अंदर आप ऐसी टहनी खड़ी करें जिसके ऊपर कुछ पक्षी आके बैठे हैं और वो उस कीड़े को खा जाए, ठीक है। और या फिर आप जो फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं जो हम चने में यूज करते हैं, जिनके अंदर क्या होता है कि आप जितने भी नर जो ये होते हैं तितलियां होती है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाती है। जब वो उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी तो आप कम से कम एक को ट्रैप करने से आपको 5-6 हज़ार अंडे कम हो जाएंगे आपके खेत में। अच्छा, तो फेरोमोन ट्रैप का भी यूज कर सकते हैं जी। और इसके अलावा कुछ हमारे बायोलॉजिकल इंसेक्टिसाइड है जिसमें मेटारिज्म एनिसोप्ली है, उसके बाद में आपका ब्यूवेरिया बेसेना है, इनका भी यूज कर सकते हैं। आप पौधे की गोब में डाल सकते हैं और उससे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं जी। तो साहब बहुत उपयोगी जानकारी आपने दी इस बारे में। बहुत जल्दी से ये जानना चाहेंगे कि क्या बीजों का भी कोई उपचार किया जा सकता है, जैसे आपने कहा कि उससे उत्तम क्वालिटी के बीज लेते हैं, बहुत जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। क्योंकि ऐसा है कि बीजों के उपचार के लिए जैसा बाविस्टिन है वो आपकी बीज जनित रोगों के उपचार के लिए, और दूसरा जो ये कीड़े की मैंने बात की थी उसके लिए एक इंसेक्टिसाइड आया, उसका नाम है फोर्टेंजा डियो। ये मिश्रण होता है साले साइनेंट्रिल प्रोल और थाइमिथोक्सम का, और इसको आपको 4 ml प्रति केजी बीज से उपचारित करेंगे तो 20 दिन तक आपकी फसल फॉल आर्मवर्म नामक कीड़े से भी बची रहती है जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस उपयोगी जानकारी के लिए। उम्मीद है कि हमारे श्रोता इससे लाभान्वित होंगे। और अब वक्त हो रहा है हमारे चलने का विजय। जाते जाते कल का विषय बता दें, चल यानी 19 तारीख को आप सुन सकेंगे आलू में समसामयिक कार्य पर ये कार्यक्रम, और विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर राज सिंह। तो फिलहाल तो यही कहेंगे कि जुड़े रहिएगा कार्यक्रम के साथ और भेजते रहिए अपनी प्रतिक्रियाएं हमें। आप मेल पर भी भेज सकते हैं जी हाँ, kkbongold@gmail.com ये हमारा ईमेल आईडी है, kkbongold@gmail.com। तो फिलहाल पूजा और विजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ऐसी नई तरकीबें अब हमको है चुननी, ऐसी नई तरकीबें अब हमको है चुननी। लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी, लक्ष्य हमारा हर किसान की आमदनी दुगनी। ऐसी नई तरकीबें अब हमको है चुननी।